मेरी तरफ से समस्त रुपई जनता को साहेब सलाम और प्रणाम। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हम सब समस्त देशवासियों को ये जो कोरोना वायरस की लड़ाई में आज जो लॉकडाउन 3 हफ्ते पूरे हुए उसको बढ़ा करके 3 तारीख तक कर दिया है। हमारा रीवा और पूरा विंध्य अभी भी एक बहुत खुशी की बात है कि ग्रीन जोन में निरंतर बना हुआ है। हम सबको इस ग्रीन जोन को इसी प्रकार से शासन प्रशासन और पूरी जनता को मिलकर के बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम सब ये अगले 2 हफ्ते में अगर सही ढंग से लॉकडाउन का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने 20 तारीख की डेट दी है वहां तक अगर हम इस ग्रीन जोन को बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे इस विंध्य को और रीवा वासियों को बहुत बड़ी एक सौगात मिलेगी और हम लोग अपने दिनचर्या को काफी हद तक सुधार पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज ये कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है सजगता, और साथ साथ में अगर हमारे बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति समझ में आए जिनमें ऐसे लक्षण दिखाई दें उनको निश्चित तौर पर रिपोर्ट करना और उनको समझाना और बुझाना कि आप इससे भागे ना, इससे लड़ने के लिए हम सब एक साथ जुट होकर के अगर किसी भाई को ये वायरस आता भी है तो उसको भाई की भांति उसका देखभाल करते हुए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, उनके पूरे परिवार को संभाल करके हमको उनको एकजुट होकर के उनको भी आगे लेकर के आना है और उनकी जांच करवाना है। दोस्तों, मैं आप सबसे पुनः अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस युद्ध में हम लोग योद्धा के तौर पर अपने क्षेत्र में निरंतर सजगता बनाए रहें और एक दूसरे का जितना भी हो सके साथ दें। हमारे आसपास के गरीब जनता है उनका साथ दें, हमारे क्षेत्र के जो लोग कहीं भी फंसे हों चाहे वो किसी भी जिले में हो वो लोग हमसे संपर्क करें। हम वहां की सरकारों से भी निरंतर बात कर रहे हैं, आप लोग की जो भी मदद होगी उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहां आने की कोशिश न करें, जहां है वहीं हम उनको आप लोग को पूरी सुविधा देने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम सब निश्चित तौर पर इस कठिन घड़ी से अवश्य निकल करके आएंगे। हमारा साथ एक साथ अगर इसी प्रकार बना रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारा विंध्य और रीवा इस लड़ाई से जंग से जरूर उभर के निकलेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य।